तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छे से हो? तो आज हम जा रहे हैं, मैं और दानी, श्रीनगर। तो आज उमर भाई का थोड़ा शूट वूट है अपने सॉन्ग का, और अपने सेटी भाई भी आ रहे हैं, सेटी एक्सप्रेस। तो अभी उनसे भी मिलना पड़ेगा वहाँ पे। तो अभी मैंने हंस फस यहाँ पे रेडी कर दी है, तो देख ही सकते हो आप। अभी मैंने यहाँ पे हंसना हंस कपनी रेडी कर दी है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और दानिश भाई और मैं, तो अभी दानिश से भी मिलवा दूंगा मैं आपको। तो चलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस, फाइनली देख सकते हो आप, ये आ रहा अपना दानिश भाई यहाँ पे। तो आज हमारे साथ ये भी ये आ रहे हैं, मतलब ये अपने उमर भाई के वहाँ पे ना शूटिंग करने के लिए आए हैं, और जो उनका अभी नया सॉन्ग आने वाला है, तो उसमें मतलब वीडियो एडिटर जो है वो यही है भाई, दानिश भाई। तो देख सकते हो अभी यहाँ से, अभी हम बिलाल भाई के पास भी आए हैं। क्या क्या है दानिश? वीडियो एडिटर और सिनेमेटोग्राफर। अच्छा, एक वीडियोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर, दोनों भाई ये कलेक्शन वहाँ पे कर देगा। आज अपने सेठे भाई भी आ रहे हैं, तो और उमर भाई भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो आज निकलते हैं यहाँ से हम अपने सफर पे कंटिन्यू, तो देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। तो मिलते हैं आगे आपसे। तो गाइस, फाइनली चेक कर लो आपके भाई एम्बुलेंस वाले को ना, अभी ये जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। देख सकते हो आप, अभी गाड़ी वाला साइड ही नहीं दे रहा है। साइड कर ले, एम्बुलेंस वाले को ना जगह नहीं दे रहे हैं गाड़ी वाले टोटली भी, क्योंकि उसमें एमरजेंसी पेशेंट है। तो गाइस, फाइनली चेक कर लो आप, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, देख सकते हो आप बटमालू के अंदर। तो अभी मैंने हंस करना यहाँ पे खड़ा कर दी, तो दानिश भाई ने बता दिया कि भाई थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, तो फिर निकलते हैं यहाँ से फिर से। तो दानिश जो दानिश ने बताया, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। और उमर भाई के लिए थोड़ा कुछ लेना पड़ता है यहाँ पर, सामान लेना पड़ेगा उमर भाई के लिए, और वो भी लेते हैं। तो अभी दानिश भाई कुछ ढूँढ रहा है, तो फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे सीधा ही। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, चल भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। तो शो ठीक सर, असल पर भी घर से सर ठीक है? पक्यो पक्यो। भी हम बाइक ही बैठे। तो गाइस, फाइनली आप चेक कर सकते हो, अपने उमर भाई मिल गए हमें, उमर नजीर जो सिंगर है। तो गाइस, फाइनली अभी सेठी भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम सेठी भाई, तू छू ठीक असल पर बे सच ठीक तो पर नु जरा की हेलमेट नहीं है। हेलमेट असल पर चोरी है। सेठी भाई उमर भाई का शूट है आज यहां पे, तो वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, लेकिन जो इनका शूट होगा वो अलग से होगा, और जो मेरा ब्लॉग होगा वो अलग से होगा। तो मिलते हैं अभी इनसे भी, इसके बाद फिर से मिलेंगे। तो देख सकते हो गाइस, अभी उमर भाई और सेठी भाई अभी भी मिले हैं ये, तो अभी शूट की तैयारी हो रही है यहाँ पे, शूट के लिए निकल रहे हैं यहाँ से ये। तो यहाँ से अभी इनका शूट स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता है, वो चीज़ मेंशन कर देंगे। तो अभी सेठी भाई उमर भाई का इंटरव्यू ले रहा है कि मतलब क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें मैंशन कर दे रहे हैं अभी। तो देख ही रहे हो, अभी यहाँ पर दानिश भाई भी रेडी रहा है, दानिश भाई अभी रेडी है। तो दानिश भाई भी, तो और ये रही अपनी सेठी भाई की, क्या बोलते हैं, शहनशाह यहाँ पे आ गई है। तो ये देख सकते हो आप, अभी अपनी सेठी भाई की शहनशाह आ गई है, तो चेक कर सकते हैं अभी। तो सेठी भाई यहाँ पे शूट ले रहा है, देख ही सकते हो आप अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। तो अभी आप मुझे देख रहे हो भाई की चैनल से, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलकर। क्या नाम है आपका? मैडी मोटो व्लॉग, जो कि भाई रहता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। जाहिद भाई ने मुझे आपके बारे में बहुत बार बोला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फर्स्ट टाइम मीट हुआ भाई के साथ, काफी अच्छा लगा। जो कि मैंने देख रहा था वीडियो, थैंक यू सो मच। ऐसे आप भी ओके, थैंक यू भाई जान, आप भी ऐसी ही मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह हाँ मेहनत का फल जरूर मिल जाता है। फिलहाल भाई ने चैलेंज दे दिया, बोला मेरी बाइक का थोड़ा आप ड्राइव करो, राइड मारो। चलो फिलहाल भाई की बाइक का थोड़ा ट्राई ले लेंगे। ओके, तो पता नहीं कौन सी बाइक है, चलानी आएगी कि नहीं। मैडी मोटो व्लॉग लिखा है। ओहो, बट सीट तो बहुत गर्म है। चाबी यहाँ पे। ओके, गियर शिफ्ट पता नहीं है, साउंड तो बहुत ही अच्छा है। चलो जी, हम थोड़ा राइड मार के आते हैं। ओके,
ब्रेक तो पहले चेक करनी है ना। ओ भाई साहब बहुत ही अच्छी बाइक है, बहुत ही मजा आ रहा है, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा है भाई, क्योंकि ये बाइक मैंने इससे पहले कभी चलाई नहीं, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं ना होता है यार, पता नहीं ना होता है कि मतलब किस हिसाब की बाइक है, कैसे, मतलब अब ऐसा समझो अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, सपोज ट्रक चला रहा हूँ, फिर जब मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो पहले थोड़ा एक दो किलोमीटर मतलब हमें आगे पीछे जाता है, जब तक हाथ में आ जाती है गाड़ी फिर मज़ा आता है, वैसे आप ये भी समझो। ओके फिलहाल आप एंजॉय करो, बाहर का सीन देखो, बाहर का नज़ारा देखो, और उसी के साथ साथ हमारा शहनशाह भी आने वाला है और हमारा शूट भी स्टार्ट होने वाला है उमर भाई के साथ। ओके अब मैं पहले कट देखूंगा हाईवे का, फिर वहां से मोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग साइड तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आपको पता ही होगा रॉन्ग साइड चलना कितना गलत है। हॉर्न तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। ओहो इतना स्पीड मैंने देखा नहीं, 106 पे मैं चला गया, पता ही नहीं चला इतनी स्पीड कैसे होगी, मैं तो हॉर्न की तरफ लग गया। ओ भाई मुझे ज्यादा पता नहीं है, 106 मैंने सोचा नहीं था इतनी स्पीड जाएगी। इससे पहले जब मैंने उस बाइक पे एक राइड मारा था जो कि आमिर फारूक की थी, कुफारा जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने उसकी बाइक की शायद 100 स्पीड कर ली थी, और उधमपुर में भी मैंने 100 टच कर लिया, तो आज 106 हो गया। बट मुझे लग रहा है ये KTM से बहुत हेवी बाइक है, ज़्यादा तो मुझे बाइक्स का पता नहीं है, आपको पता ही होगा। चलो जी चलो देख के भाई जान, मैं राइडर नहीं हूँ ना यार। ओ 70 स्पीड जाती है सेकंड गियर में, अभी 78, इतनी जल्दी 86। ओ थर्ड गियर में 100 स्पीड जाती है, 100 टच हो गया फिर से, ये नजर आ रहा है शायद इसका मीटर ना छोटा है, अच्छे से नजर नहीं आ रहा है, मुझे पता ही नहीं। रुक जा मुझे मारना नहीं। चलो जी अपना राइड कंप्लीट हो गया, पर मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो गया, मैंने 7 मिनट का ड्राइव किया। ओके बाय बाय। ये मुझे बताओ सेठ भाई बाइक कैसी लगी आपको? सेठ भाई बाइक कैसी लगी राइड करके? बहुत ही अच्छा यार। आपको मजा आया? कितना मजा आया सच बता देना। अरे आप बोल रहे थे मजा नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं आप चला लो, और आप नहीं यार। अब ये पता नहीं है सैडी भाई को मैं अपनी छोटी सी हंस पर अच्छी लगी होगी कि नहीं, तो अभी सैडी भाई को अच्छा ही लगा होगा, देख सकते हो आप। तो चलो तो गाइस फाइनली अभी उमर भाई का भी शूट हो गया और सैडी भाई का भी हो गया, तो अभी उमर भाई हस्क पे बनाएगा वीडियो अभी अपनी जो इसका अपना सॉन्ग है उसके लिए। तो उमर भाई हमारा तो गाइस ये रहे अपने उमर भाई, जो अपने उमर भाई उमर नज़ीर सिंगर। तो आज हमारा जो प्रोग्राम था वो इन्हीं के साथ था, तो अभी हम यहाँ श्रीनगर पहुँचे अभी उमर भाई के साथ। तो अभी उमर भाई से पूछते हैं कि मज़ा वज़ा कैसा है और आज दिन में क्या रहा हमारे साथ। उमर भाई आपको क्या आज हमारे साथ कैसा लगा आपको? बहुत ही ज़बरदस्त लगा। पहले हम निकले थे 11:30 बजे आपके साथ, जब आप मिले हमें तो आपकी बाइक पर जो आप चला रहे थे ना, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी आ गई आप तो माशाल्लाह, दिन भी बहुत अच्छा गया और इंशाल्लाह वीडियो भी आने वाला। हाँ आज का दिन जो हमारा है वो बहुत ही अच्छा रहा है ना, बहुत ही अच्छा रहा। सेठी एक्सप्रेस ने भी, सेठी भाई ने भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आपने भी हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, और आपने हमें कुछ सिखाया भी कि मतलब क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ होती है, वो चीज़ हमने आपसे तो हर एक को ये सिखाता है और हर एक के साथ अच्छे से पेश आते हैं। और उमर भाई मेरे को इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि थोड़ा मेरे पास भी डर था कि सोच रहा था कि अगर उमर भाई से मिलूँ क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मिलके इतना मतलब इतना लगा कि सीधा ये दिल में बस गए। तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से इंशाल्लाह अपने 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 घरों के लिए, उमर भाई भी अपने घर जाएगा। तो इन्होंने हमें बोला था, बहुत विनती की थी कि आप यहाँ रहो हमारे पास, लेकिन हम रुके ही नहीं। तो अभी उमर भाई से यहाँ पे हम लेते हैं इजाज़त घर जाने के लिए, तो चलते हैं यहाँ से। चलो ठीक है उमर भाई, यहाँ चलते हैं हम।